बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत हर बार यही होता है, हम लोग पार्क में आते हैं या फिर कहीं बाहर ही सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर, तो कुछ टाइम फैमिली को भी देना इम्पोर्टेंस है, तो इस हिसाब से सही है। और प्लस कोविड का केस अभी इंक्रीज हो रहा है, इवन भागलपुर में भी केस आया गया है, तो आई थिंक इस प्रकार का फैसला सही है। बंद होगा क्योंकि अफेक्टेड नहीं होंगे इंसान, अगर ज्यादा इंसान नहीं आएंगे तो कोरोना वायरस स्प्रेड नहीं होगा एक दूसरे में। 1 जनवरी को पार्क में जो लोग आते हैं अब वो नहीं आएंगे, तो वो घर में सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने तरीकों से। निधि, सरकार का फैसला ठीक है, अगर कोरोना के कारण ये सब बंद है तो अच्छा है, ज्यादा लोग अफेक्ट नहीं होंगे, ज्यादा लोग इसमें मतलब इस केस में नहीं आएंगे, केस कम होगा तो और अच्छा है, हम लोग का एजुकेशन वगैरह भी चलता रहेगा, न तो फिर बंद हो जाएगा पिछले बार की तरह, हम लोग का एजुकेशन फिर से बहुत ज्यादा पीछे चला जाएगा। 1 जनवरी को फिर आप लोग कहाँ सेलिब्रेट करेंगे? घर में सेलिब्रेट कर सकते अपने फैमिली के साथ। निशा, 1 जनवरी से मतलब बंद, पार्क बंद करने के लिए सरकार जो फैसला लिए वो हमारे हित में है, इसलिए आप उसको फॉलो कीजिए, घर पे रहिए, क्योंकि अगर पार्क में आइएगा तो कोरोना मतलब ज़्यादा बढ़ने का केस चांस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि भीड़ रहेगी, इसलिए घर में रहिए, घर में पिकनिक वगैरह मनाइए, सेफ रहिए, घर में रहिए। धन्यवाद। मेरा नाम सुधांशु कुमार है। सरकार के द्वारा लिया गया फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत हर बार यही होता है, हम लोग पार्क में आते हैं या फिर कहीं बाहर ही सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर, तो कुछ टाइम फैमिली को भी देना इम्पोर्टेंस है, तो इस हिसाब से सही है। और प्लस कहीं भी हम लोग पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो वहाँ मास्क का यूज़ ज़रूर करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये फैसला सही है। अमृता, परसों 2 तारीख तक सरकार ने पार्क को बंद करने का फैसला लिया है, क्या लगता है सरकार का फैसला सही है? देखिए, हमारे हिसाब से तो जो है ना, सरकार को मतलब दूरी वगैरह में बना करके और ये फैसला नहीं लेना चाहिए, दूरी बना करके रहे, है ना, हर जगह प्रशासन मास्क पहने, हाथ धोए, और ठीक है हम एंजॉय करेंगे, न्यू जनवरी का हम स्वागत करेंगे, तो उसमें जो है ना दूरी बना करके ही पार्क में, और भीड़ नहीं लगाने दे, लेकिन एंजॉय करने दे अपना, कम से कम खाएगा पिएगा, अपना पिकनिक मनाएगा, कुछ तो अपना फ़ायदा उसको इन्जॉयमेंट होगा, तो उससे जो है बीपी नॉर्मल रहेगा, शुगर नॉर्मल रहेगा, है ना, लोग खुश नहीं रहता है, इसीलिए इस सब ओकेजन में ज़्यादा प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, है ना। मेरा नाम हुआ मुकुंद कुमार सिन्हा। सरकार का जो भी फैसला है वो सही है, क्योंकि जब आदमी मिलेगा तब तो कोरोना फैलेगा ना, उससे अच्छा मिलेगा नहीं, पार्क तो बंद होना जायज है, और हर बार तो पार्क में हम लोग मनाते ही हैं इधर उधर घूमने के लिए, इस साल घर में सेलिब्रेट करते हैं। रजनी कुमारी, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और ओमिक्रॉन के केसेस लगातार जिस तरह से बढ़ रहे हैं, इस बीच बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल बिहार सरकार ने आदेश जारी किया है कि 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक बिहार के सभी पार्क, जू, सिनेमा हॉल सभी बंद रहेंगे। हालांकि इस फैसले का लोग स्वागत कर रहे हैं, लोगों का कहना है कि जिस तरह से लगातार केसों में बढ़ोतरी हो रही है, कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, सावधानी और एहतियात बरतना इस जरूरी है, ना तो फिर जिस तरह से दूसरे वेव में भी लगातार केसों की संख्या बढ़ रही थी, मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, फिर उसी तरह मामले कई बार फिर इस बार भी सामने आएंगे। बता दें कि सैंडिस कंपाउंड मैदान में यहाँ पर हर वर्ष हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर युवक युवतियाँ महिलाएँ सभी पहुँचते थे और यहाँ पर पार्क में नया साल इंजॉय करते थे, लेकिन इस बार जो है नववर्ष पर जो है पानी फिर गया है, क्योंकि कोरोना जिस तरह से लगातार बिहार में भी बढ़ रहा है, कल की बात करें तो भागलपुर की भी बात करें तो यहां पर कल भी 2 नए मामले सामने आए हैं, 2-3 दिन पहले 3 मामले सामने आए थे, मुंगेर जिला में भी कई मामले सामने आ चुके हैं, पूरे बिहार में अभी 100+ केस हो चुका है, तो इस तरह से देखा जा रहा है कि सरकार ने जो फैसला लिया है ये कहीं ना कहीं सही फैसला है। अश्विनी कुमार, बिग न्यूज़, भागलपुर।